आने वाली 18 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर कालका में आएंगे और महामाई काली माता के दर्शन कर और गुरुद्वारे में माथा टेक कर जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। कालका में इस दिन भाजपा पार्टी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जाएगी। ये शब्द हरियाणा भाजपा नेता रूपी भगत सिंह ने एक मीटिंग के दौरान संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने लोगों से कहा कि यह जन आशीर्वाद रथ यात्रा शुरू हो रही है हमारे कालका से। हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी 18 तारीख को सुबह सबसे पहले काली माता मंदिर में अपना उनसे आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद साथ ही गुरुद्वारा साहब में पहली बादशाही का वहाँ भी आशीर्वाद लेंगे, अपना माथा टेकेंगे। उसके बाद ये हमारी शुरू होगी उनकी यात्रा और कालका से जो यहाँ की नंबर वन कॉन्स्टिट्यूंसी है, और हम इस यात्रा को बहुत ही भव्य बनाने वाले हैं कालका वाले सारे इकट्ठे होके, क्योंकि हम दिल से चाहते हैं कि मनोहर सरकार फिर से, हमारा नारा है कि कालका चाहे दिल से मनोहर सरकार फिर से, और अब की बार 75 बार का जो नारा ऑलरेडी दिया हुआ है उसको हम पूरा 200% पूरा करेंगे। इस यात्रा की तैयारियों में हम जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और लोगों को इस बारे में बता रहे हैं, साथ में ये भी बता रहे हैं कि सरकार की नीतियाँ जो जो सरकार ने ये पिछले 5 वर्षों में लोगों के लिए दी हैं उनके लोगों ने फ़ायदा उठाया, जिन्होंने नहीं भी उठाया उनको भी उन नीतियों से अवगत करवा रहे हैं ताकि आने वाले समय में वो इन नीतियों का पूरा फायदा उठा। और हम जानते हैं यहाँ से ये यात्रा शुरू होएगी और यहाँ से ये बहुत ही विशाल, उसके बाद एक जनसभा होने वाली है हमारी सब्जी मंडी में। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील भी करती हूँ कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ ताकि हम सब लोग अपने जो बहुत ही लोकप्रिय हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको हम आशीर्वाद दें ताकि वो उनकी जो आगे वाली टाइम है 75 पार का जो उनका नारा है वो उनका पूरा।